हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, जितने भी डिजिटल मोड्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी डिजिटल मोड में मैं आज बात करने वाली हूँ स्वयं पोर्टल के बारे में और स्वयं प्रभा के बारे में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में आए हुए हैं और आने भी वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में कंप्लीट इसको पढ़ लेंगे और आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये जो टॉपिक है वो हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज सबको पता है कि आजकल ना थ्योरी पार्ट तो आता ही आता है, लेकिन ये चीजें फैक्चुअल हो जाती है जो अब की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई हुई है सभी बच्चों के लिए। तो होता क्या है, स्वयं पोर्टल और स्वयं प्रभा दोनों को अच्छे से समझेंगे। पहले तो आप ये समझ लो कि स्वयं आखिर है क्या, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। तो फुल फॉर्म की अगर बात करें स्वयं की, तो ये फुल फॉर्म हो जाता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है अगर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें इंटरव्यू वगैरह है तो भाई उसमें ये मस्ट मस्ट है, बिल्कुल भी आपको जो है छोड़ना नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो फैक्चुअल होंगी, जो आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो स्वयं का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और आखिर स्वयं होता क्या है, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो आपको क्वालिटी एजुकेशन कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को। अभी आप सभी को पता है कि जो एजुकेशन आपकी पूरी तरीके से कैसी हो गई है, डिजिटल हो गई है। यानी कि पहले क्या था, कोरोना से पहले सारी चीजें ऑफलाइन थी, ऑनलाइन थी लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन कोरोना के बाद सारी चीजें क्या हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। तो आपको सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट है भले ही वो स्कूल से हो या फिर आउट ऑफ द स्कूल कॉलेज वगैरह में हो, तो सभी स्टूडेंट्स को क्वालिटी इफेक्टिव एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको दी गई है। यहां पर आप अपने स्कूल से रिलेटेड सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो, सारे कोर्सेज को, सारे सिलेबस को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही अगर आप ग्रेजुएशन में हो, अगर आप कोई भी डिग्री, कोई कोर्स अगर आप कर रहे हो, तो वो सभी कोर्सेज आपको स्वयं पोर्टल के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मिल सकते नहीं, होते हैं। अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए वहां से सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। अब यहां पर आपको समझना यह है कि कैसे सारी चीजें होती है, ठीक है। तो स्वयं क्या होता है, आपने देख लिया स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। आप इसको अगर हिंदी में देखना चाहते हो तो आप हिंदी में देख सकते हैं। और ये एक ऑनलाइन शिक्षा है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है एक तरीके से लागू करी गई है। अब डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, कई बार हम ये सोचते हैं कि स्वयं ये है, ये स्वयं प्रभा है, दोनों सेम सेम ही होगा। देखो दोनों ही ई प्लेटफॉर्म है, दोनों ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बट इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हल्का सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए है। दोनों ही स्कीम्स क्या है, स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स यानी कि MHRD की तरफ से ये जो है दोनों ही एप्लीकेशन को जो है लागू किया गया है। बट इनमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना है। जो स्वयं है वो क्या है, वो एक पोर्टल है, एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो है प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो अलग अलग कोऑर्डिनेटर के द्वारा आपको प्रोवाइडेड है। ये कोऑर्डिनेटर क्या होता है, ये आपको आगे जाके समझ में आएगा। ये एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप पहली कक्षा में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, दसवीं में हो, ग्यारहवीं में हो, अगर कोई आप कोर्स कर रहे हो, इंजीनियर का कोर्स है, अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हर प्रकार के कोर्सेज यहां पर डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू चलाए जाते हैं स्वयं पोर्टल के ऊपर, ठीक है। तो ये पोर्टल क्या है, बिल्कुल ऑनलाइन कोर्स देता है आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। अब स्वयं प्रभा क्या है, इसी सीरीज के अंदर स्वयं प्रभा क्या है, ये भी आपको ऑनलाइन ही चीजें करवाता है, सारी ऑनलाइन जो है चीजों को एक्सेस देता है, लेकिन ये एक फ्री DTH सर्विस है विच ब्रॉडकास्ट रिसोर्सेज थ्रू। यहां पर आपके 40 DTH चैनल है जो बिल्कुल फ्री है। ये DTH चैनल क्या होता है, आपको सबको पता होता है, डायरेक्ट टू होम, जो आपके घरों के ऊपर आप लोग टीवी देखते हो ना, टाटा स्काई, एयरटेल वगैरह, वो आपके जैसे पूरे टीवी पर आपको क्या कर सारी चीजें टेलीकास्ट कराई जाती है ना, ऐसे ही इन DTH सर्विस के थ्रू ये जो चैनल्स हैं वो आपको एजुकेशन जो है घर बैठे आपको बिल्कुल फ्री में जो है प्रोवाइड कराते हैं। इनका अपना टाइमिंग होता है, जो टाइम आपको पोर्टल पर दिया गया है, और वो स्टूडेंट की सहूलियत को देखते हुए रिपीट भी होता है। अगर कोई बच्चा एक टाइम पर अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो रिपीटेशन पे वो कंटेंट देख सकता है, ठीक है। तो स्वयं प्रभा क्या है, एक 40 DTH चैनल का एक ग्रुप है जो आपको एजुकेशनल चीजें प्रोवाइड करता है, जहां पर आपको आपके क्लास वन से लेकर के आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप कुछ भी देख सकते हो। तो ये हल्का सा डिफरेंस है दोनों के अंदर कि स्वयं पोर्टल क्या है, आपका ऑनलाइन कोर्स देने का एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, और जो स्वयं प्रभा क्या है, ये DTH चैनल है, आपके चैनलों का एक समूह है, 40 DTH चैनलों का, ठीक है। इतना आपको चीजें यहां से समझ में आई। अब थोड़ा सा हम इस चीज को देख लेंगे डिटेल में, ठीक है।
चलो, इसको लागू किसके द्वारा किया गया था ये भी आपको सबको पता होना चाहिए। स्वयं एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AICTE, आपको इन सभी का फुल फॉर्म भाई पता होना चाहिए है, और इन्होंने तैयार किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से इन सभी चीज सभी को तैयार किया गया। और इसकी जो घोषणा है वो 1 फरवरी 2017 में बजट के अंदर इसे जो है पेश किया गया था, और इसको जो लागू करने का काम अगर आपसे पूछा जाए तो ये डेट आप याद रख लेना 9 जुलाई 2017 को, उस टाइम जो हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे वो प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, तो 9 जुलाई 2017 आप डेट याद रख लेंगे। अगर आप बजट वाले भी याद कर सकते हो भाई ये कब एक तरीके से आया था, कब इसको इसकी घोषणा हुई थी, तो वो 1 फरवरी 2017 आप यहाँ पर याद कर सकते हो। बाकी ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको यहाँ पर जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फैक्चुअल चीजें हैं सारी जो आपके ध्यान में रखने लायक है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, आपको बस इसको पढ़ लेना है। हेडलाइंस है, स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 24 घंटे 24 आवर यानी कि 24x7 की हर वीक में, मतलब हर दिन सातों दिन और 24 आवर्स आपके लिए ये ओपन है। सप्ताह के सातों दिन जब भी कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई कर सकता है, सभी भारतीय विद्यार्थियों के लिए 9वीं कक्षा के लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सभी कोर्सेज आपको यहाँ पर मुफ्त में उपलब्ध है। यानी कि आप अगर स्कूल में है, किसी भी क्लास में, फर्स्ट क्लास से लेकर आपके PG लेवल तक के आप कोई भी कोर्स में अगर आप एनरोल हैं, तो आप उससे रिलेटेड कोई भी हेल्प यहां पर आप स्वयं पोर्टल पर ले सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर किसी बच्चे का, मान लीजिए कोई भी ऐसा रिमोट एरिया है जहां पर बच्चों तक ये सीमित नहीं है, बच्चे अगर स्कूल वगैरह में उनको दिक्कत आ रही है, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं उनके लिए। तो हर प्रकार के बच्चे यहां पर चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। 4 तरीके के पाठ्यक्रम यहां पर उपलब्ध है, ये भी आपसे पूछा जाता है, 4 टाइप ऑफ कोर्सेज, या फिर आपसे कह सकते हैं कि स्वयं के अंदर जो है 4 क्वाड्रेंट आपसे बोला जाता है, 4 क्वाड्रेंट करके भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, वीडियो लेक्चर के थ्रू बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, PDF फाइल नोट्स आपको प्रोवाइडेड होती है, क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, और ऑनलाइन डिस्कशन भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए है कि किस टाइप के कोर्सेज जो है वो स्वयं पोर्टल पर अवेलेबल होते हैं। अब इन कोर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको इंजीनियरिंग के कोर्स मिलेंगे, साइंस रिलेटेड, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, एजुकेशन, हर प्रकार के कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि स्कूल से लेकर के आप किसी भी डिग्री कोर्सेज में एनरोल है तो वहां तक की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल फ्री, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉग इन करना होता है। ठीक है, आप सिंपली अगर आप स्वयं भी लिखेंगे ना गूगल पर, तो सबसे ऊपर वही पोर्टल जो है आपका खुल के आएगा, आप उसको खोल के देखेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाती है। वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स जो है वो दिखाई देंगे, कि चैनल्स के नीचे लिखा होता है कि आप इसमें आपको जो है टाइम वगैरह सब सा कब लाइव होगी, सारी चीजें वो सब आपको इन्फॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइडेड होती है। अब ये जो चीज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछे कि उद्देश्य क्या है, कि किस आधारभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए आपके स्वयं पोर्टल को बनाया गया है, तो NEP में भी इस चीज का जिक्र होता है, NEP 2020 में भी, कि हर बच्चे तक एक्सेस हो एजुकेशन का, हर बच्चे तक पहुंच हो, हर बच्चा जो है इक्विटी का यानी कि निष्पक्षता के साथ बच्चे को सारी चीजें मिले, और साथ ही क्वालिटी की बात करी जा रही है यहाँ पर। ये चीजें, ये जो 3 चीजें हैं ना, ये बेसिक प्रिंसिपल है एजुकेशन का, NEP में भी बात होती है, और स्वयं पोर्टल को बनाने का मकसद भी यही है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको मस्ट है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको ये तीनों दे देंगे, कोई एक चीज भी दे देगा, या फिर कोई 3 चीज अलग दे देंगे और इनमें से कोई एक चीज उठा के दे देगा, और आपसे पूछा जाता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखी है, एक्सेस हो बच्चे तक, एजुकेशन का एक्सेस हो, इक्विटी हो, कोई किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, निष्पक्षता हो, बच्चे तक सारी चीजें पहुंचे, और उसमें क्वालिटी हो, ठीक है, गुणवत्ता हो उसमें जो चीजें जा रही है, बच्चे के अच्छे तरीके से समझ में आए। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब मैंने बात करी ऊपर की, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अब स्कूल के कोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, जो भी आपके मैनेजमेंट के कोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, इंटरनेशनल एजुकेशन के कोर्स है उसे कौन प्रोवाइड करेगा, तो इसके लिए आपके 9 कोऑर्डिनेटर्स है यहाँ पर, और इन कोऑर्डिनेटर्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन एक कोऑर्डिनेटर है और इसमें से कौन एक कोऑर्डिनेटर नहीं है। तो आपको ये 9 के 9 कोऑर्डिनेटर ध्यान में रखने हैं, ठीक है, जो आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो मैंने पूरा यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है आपके लिए। सबसे पहले आपका AICTE फुल फॉर्म बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, हिंदी में भी लिख दी है,
अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत हो, सेल्फ प्लेस्ड और इंटरनेशनल कोर्सेज ये प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कौन? AICTE ही। NPTEL आप फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, एक दो बार पढ़ेंगे हो जाएगा। ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कोर्सेज है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये 9 आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर ध्यान में रखने हैं। फिर है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन यानी कि गैर तकनीकी स्नातकोत्तर शिक्षा, और CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन यानी कि अगर आप किसी भी बैचलर कोर्स में अगर आप एनरोल है तो वहां के कोर्सेज प्रोवाइड करने का काम CEC के थ्रू किया जाता है। अब NCERT तो ऑब्वियसली बात है स्कूल एजुकेशन के लिए होता है, और इसका फुल फॉर्म तो मस्ट है आपके लिए याद रखना अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और स्कूल एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं कोर्सेज। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग स्कूल एजुकेशन के लिए है। इग्नू नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि अगर आप जब आप इसमें एनरोल करते हो मतलब आप जाते नहीं हो, बस आप एग्जाम देते हो, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी कहलाती है ये। आउट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, ये बेसिक सी चीजें हैं, तो ये कोऑर्डिनेटर आपको भाई ध्यान में ही रखने पड़ेंगे। फिर है IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर है ये, और ये आपको मैनेजमेंट स्टडीज रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपको NITTR जो है एक तरीके से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये 9 कोऑर्डिनेटर है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये कोर्स ऑफर्ड करते हैं, ठीक है। ये नेशनल जो कोऑर्डिनेटर है ये जो प्रिपेयर होते हैं मतलब इनके द्वारा जो हमने जस्ट ऊपर पढ़े ना, ये आपको कोर्सेज वगैरह इसमें स्वयं पोर्टल पर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्वयं प्रभा। अब स्वयं तो हमने पढ़ लिया कि भी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ई प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप डिफरेंट कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज, 2000+ कोर्सेज आप वहां पर देख सकते हो, और मिलियंस ऑफ स्टूडेंट वहां पर पढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें एनरोल है वहां पर। स्वयं प्रभा क्या है ये मैंने मोटे तौर पर आपको पहले बता ही दिया था, इसको प्रणब मुखर्जी के द्वारा ही 9 जुलाई 2017 को ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, वो जो मैंने ऊपर कहा वही चीजें दोनों को एक ही टाइम पे ही किया गया था। स्वयं प्रभा ग्रुप ऑफ 40 DTS डायरेक्ट टू होम चैनल्स है जो टेलीकास्ट करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये जितने भी कोऑर्डिनेटर मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस किए ना, ये इनका प्रॉपर टाइमिंग होता है कि भाई यही कोऑर्डिनेट करके देंगे, यही प्लानिंग करते हैं लेक्चर्स का, कब डिलीवर होंगे, किस दिन किसका जो है डिलीवर होने वाला है, वो सब पूरा प्रॉपर होता है। जब आप साइट पर जाएंगे ना आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो अभी आप ध्यान में रखें कि 40 DTS चैनल है जो कि टेलीकास्ट करा जाता है, और वो क्या है, वो आपका स्वयं प्रभा है, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, मैंने पॉइंट्स में आपको पूरा जो है निचोड़ डालने की इसमें कोशिश करी है। तो स्वयं प्रभा एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ये भी सबको पता है, और 24/7 आपको यहाँ पर किसकी हेल्प से, GSAT-15 सैटेलाइट की हेल्प से, भाई फैक्चुअल चीजें हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। GSAT-15 सैटेलाइट की हेल्प से आपको 24/7 यहाँ पर कंटेंट जो है डिलीवर होता है, और हर दिन नया कंटेंट डिलीवर होता है कम से कम 4 घंटे के लिए, और इसको भी 5 बार रिपीट किया जाता है ड्यूरिंग द डे, सो दैट स्टूडेंट कैन चूज देयर टाइम ऑफ कन्वीनियंस। मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट के पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो उस कंटेंट को एक बार डिलीवर करने के बाद भी 5 बार और रिपीट किया जाता है, जब भी उसके पास टाइम हो तभी वो उस चीज को देख सकता है, ठीक है। तो बच्चों के लिए है तो ऑब्वियसली बात है बच्चे की सारी फैसिलिटी दी गई है, उनकी सारी जो सहूलियत है वो चेक करी गई है इसमें। अब एक चीज और जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो DTS चैनल है ना, ये लिंक होते हैं भाई, इतने सारे 40 चैनल्स है तो 40 चैनल को कहीं ना कहीं तो लिंक किया जाएगा ना कहीं से तो इनकी इनका जो है लिंकअप होगा। तो वो जो लिंक होता है वो आपका होता है बाईसैक गांधीनगर गुजरात के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको बाईसेक का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। है आपसे पूछा जा सकता है कि जो DTS चैनल है जो स्वयं प्रभा के अंदर, वो लिंकअप कहाँ होते हैं, तो आप बताएंगे BISAG गांधीनगर, और बाईसेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, और ये आपका कहाँ पर है भाई, ये एजेंसी है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की, तो गुजरात के अंदर ये सारी चीजें हैं। तो आप ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप जैसे UGC नेट वगैरह में तो आपसे फिर भी थोड़ा और डिटेल में पूछ लेंगे, लेकिन आप अगर एजुकेशनल चीजें, जैसे मान लिया अगर आपका टीचिंग एग्जाम है तो आपसे ये बेसिक चीजें यहां पर पूछी जाएगी, ठीक है। अब इस चैनल पर कंटेंट कौन प्रोवाइड करेगा, NCERT प्रोवाइड करेगा जो स्कूल एजुकेशन वाली है, इग्नू प्रोवाइड करेगा आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट के लिए, IITs प्रोवाइड करता है, NPTEL, CEC, NIOS, UGC जो हमने ऊपर कोऑर्डिनेटर पढ़े इनके द्वारा इनमें कंटेंट जो है वो डाला जाता है, ठीक है।
लिंकअप है सारी चीजें, द वेब पोर्टल ऑफ। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो वेब पोर्टल है स्वयं प्रभा का वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो ये भी आपका गुजरात का ही है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इन्फ्लिपनेट है, आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एनकरेजेज इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड लाइब्रेरीज फॉर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये भी आपका कहाँ पर है भाई, गांधीनगर गुजरात के अंदर है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो डीटीएस चैनल है वो लिंकअप कहाँ होते हैं, वो बाइसेक में, और वेब पोर्टल किसके द्वारा मेंटेन है, तो ये फैक्चुअल चीजें हैं भाई, आपको ध्यान में ही रखनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। थ्रू स्वयं प्रभा गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, बिल्कुल फ्री होती है सारी चीजें स्टूडेंट्स के लिए। स्वयं प्रभा के पास 2000 प्लस कोर्सेज है, जिसमें से जो स्टूडेंट है वो 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक यहां पर इसमें चीजों को पढ़ सकते हैं। ये जो चैनल है वो क्या क्या चीजें कवर करते हैं, तो ये जो चैनल है वो एक बार मैंने फिर मोटे तौर पर बताया कि आपकी जितनी भी हायर एजुकेशन है, 12th के बाद जब आप जाते हो कोई भी कोर्स अगर आपने ले रखा है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, कुछ भी है, वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उच्च शिक्षा और 9th to 12th लेवल की स्कूल एजुकेशन ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने के लिए। इसके अलावा करिकुलम बेस्ड कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलेंगे, और 11th 12th के जो बच्चे होते हैं उनको स्पेशली यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। अब एंड में हम इन जो ये जो डीटीएस चैनल है ना, 32 डीटीएस चैनल जो कि आपको साइट पर भी देखने को मिल जाएंगे स्वयं प्रभा की, ये मैंने पूरा एक ना लिस्ट आपके लिए बना दी है, इस पर एक बार जरूर नजर मार के जाइएगा, बिकॉज़ ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपसे, ऐसे पूछ लिया गया है कि जो चैनल 3 है वो क्या पढ़ाता है, चैनल 2 क्या पढ़ाता है, चैनल 1 क्या पढ़ाता है, तो कम से कम आपके टीचिंग से रिलेटेड जो चैनल जो भी है वो भी आप वो तो आप करके ही करके जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर आपके क्या है, यहां पर आपके चैनल नेम है, और ये आपका कौन इसको प्रेजेंट करता है, कौन इसका इस रिलेटेड कोर्स जो आपको प्रोवाइड करेगा। तो चैनल 1 का नाम है वागीश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल 2 का नाम है संस्कृति, चैनल 3 का नाम है प्रबोध। ये आपके पूरे 10 चैनल ऐसे जिनका नाम है, ये है सारस्वत, चैनल 4 प्रबंधन है, चैनल 5, और ये प्रोवाइड क्या करता है, जैसे वागीश जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, ह्यूमैनिटीज के बारे में, लैंग्वेज लिटरेचर के बारे में, और इनका चैनल रूट पेरेंट कौन है, EFLU हैदराबाद। तो आप बस ये ध्यान में रख लो वागीश जो है वो क्या क्या किसके और किसका किसके कोर्सेज प्रोवाइड करता है, लैंग्वेज लिटरेचर के, ह्यूमैनिटीज के। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, और कौन कोऑर्डिनेटर है, CEC और UGC। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रख लेना, तो एक दो बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, ध्यान में रख के चले जाना, इतना कर रहे हो तो इसको भी करके ही चले जाना, मैं तो यही कहूंगी। दूसरा है संस्कृति, CEC UGC ह्यूमैनिटीज 2 आर्ट हिस्ट्री फिलोसफी रिलेटेड सब्जेक्ट है, और चैनल 3 है प्रबोध, ये भी CEC UGC सोशल साइंस 1 सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स ये आपको प्रोवाइड करने का काम करता है। सारस्वत है सोशल साइंस 2 एजुकेशन साइकोलॉजी, ये पूरा ना लिस्ट है, इसको प्लीज आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चैनल 5 है प्रबंधन के नाम से है, चैनल 6 है विदीक के नाम से, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चैनल 7 है जो कि कौटिल्य है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स और फाइनेंस का। उसके बाद है आर्यभट्ट है फिजिकल साइंस का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का रिलेटेड सब्जेक्ट्स। तो ये जो है ना चैनल 1 से लेके 10 तक, ये तो आप पक्का ही मतलब रट जाना भले ही, ठीक है, क्योंकि ये आपके टीचिंग से रिलेटेड है ना, साइंस का कौन सा है, मैथ का कौन सा है, फिजिक्स का कौन सा है, तो आपसे पूछ सकते हैं, बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, स्पेशली चंडीगढ़ की अगर बात करें। ठीक है, कौटिल्य है वो इकोनॉमिक्स कॉमर्स प्रोवाइड करना है, फिर स्पंदन है ये आपको लाइफ साइंस बोटनी जूलॉजी बायोसाइंस प्रोवाइड करना है, दक्ष है अप्लाइड साइंस केमिकल साइंस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये 10 तक तो आप बिल्कुल ही रट के चले जाना। 11 है NPTEL केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो इंजीनियरिंग के यहाँ पे आ गए। पेरेंट जो रूट है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, IITs है जो ये सारी चीजें प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, IIT खड़गपुर है जो कि आपका NPTEL चैनल 11 है, 12 IIT दिल्ली मैनेज कर रहा है, चैनल 13 जो है IIT खड़गपुर मैनेज कर रहा है, फिर चैनल 14 जो है वो IIT दिल्ली। तो ऐसे ही IITs की सीरीज स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और ये आपका कोऑर्डिनेटर है। उसके बाद चैनल 19 है IIT पैल बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और ये भी आपके क्या है IIT दिल्लीज है, इनके पेरेंट्स रूट भी। ठीक है, फिर इग्नू आ जाता है, इग्नू कहाँ से, चैनल 23 से है, लाइब्रेरी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एग्रीकल्चर वोकेशनल एलाइड साइंसेज। ये पूरा चीजें मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी ये लिस्ट, ठीक है, तो आप उसको आसान से बैठ करके कर लेना, ये पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगी।
ठीक है, तो ये आप वहां से कर सकते हो। और एक मेरे को ना एक ब्राउचर मिला है स्वयं प्रभा का, तो ये उसी का ही है। उस पूरे ब्राउचर को ही मैं भेज दूंगी, ठीक है, उस पूरे ब्राउचर को मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगी। उसमें पूरे 32 के 32 चैनल है, आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ही, मुझे तो ऐसा लगता है पूछा जाएगा, बिकॉज आ चुके हैं क्वेश्चंस, तो इनको जरूर छोड़, कम से कम 1 से लेकर 10 तक का जो चैनल है ना वो आप यहाँ पर जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।